हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमबीडीएम एग्जामिनेशन गाइड बिहार, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा आगामी बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एवं उत्तर के साथ है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का जो है ऑल चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट वन पार्ट टू करके हम बना चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है सो किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, कभी फर्स्ट पाली तो कभी सेकेंड पाली में। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और सर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट सभी सब्जेक्ट का सही समय पर आपको उपलब्ध हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आप हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सटीक आंसर जो है सो उसको हम टिक करेंगे। चार ऑप्शन को डिफाइन हम कर चुके हैं, बुक बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें। तो आप लोग बुक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बुक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। गैस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम कर ही रहे हैं पार्ट वन पार्ट टू करके, और बुक का भी हम ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। और इसके बाद जो होगा सो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम थ्योरी और न्यूमेरिकल भी लाएंगे। तो आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो उससे संबंधित आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट की, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया, नहीं अवक्षेपण। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण इज द राइट आंसर होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा, अवक्षेपण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, समीकरण 2H2+O2 = 2H2O1 क्या है? संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या अवक्षेपण अभिक्रिया है या उदासीन अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा, संयोजन अभिक्रिया। तो हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी बोल बोल का पढ़ने से दिमाग को जो है सिग्नल पहुंचता है, अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे साथ बोला करके पढ़ सकते हैं, अगर कहीं भी इससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको आंसर जो है सो पढ़ते ही आपको झलकेगा और ब्रेन जो है सो सिग्नल देगा कि नहीं क्वेश्चन इसका राइट आंसर अब कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। चले नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनता है? संयोग मतलब होता है मिलकर, ठीक ना। तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का तो कुछ जो है से इसका शब्द इधर उधर आता है, और हम लोग जो पढ़ाते हैं सेम वही पढ़ाते हैं जो बोर्ड में पूछता है, बट वहाँ करता है क्या है जो कुछ शब्द को इधर से उधर कर देते हैं तो स्टूडेंट जो है सो काफ़ी घबराहट से होने लगता है उनको। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझ कर शब्द को समझिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी MgO, MgO मैग्नीशियम, Mg का फुल Mg का संकेत होता है, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, और इसका परमाणु संख्या जो होता है सो 12 होता है। तो इसका आप सोच रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या और संकेत पर कुछ एक वीडियो लाया जाए, तो आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें तो हम नेक्स्ट वीडियो ला सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, H2S+I2=2HI+S में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? H2S+I2=2HI+S में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी I2, I2 यानी कि I जो है सो आयोडीन का संकेत है। चले नेक्स्ट है, और सोडियम का
Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किसको कहते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं वो श्वसन, उसी को श्वसन कहते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। चले नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बन जाएगा और दही से दूध बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कुछ ट्रिक के तौर पर, जिस वस्तु को हम बना देंगे यानी कि दूध से दही बन जाए, फिर हम उसी वस्तु को फिर वापस जो पहले वस्तु था उस अवस्था में नहीं ला सकते, वैसा को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके चले नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, क्या कॉपर, कॉपर का संकेत क्या होता है, सी, जिसको तांबा भी कहते हैं, तो तांबा या कॉपर बोलिए, तो आयरन से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में है हाँ, ऑप्शन सी में है कम क्रियाशील है, ऑप्शन डी है कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। चले नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, उसमें उसमें करंट नहीं जा सकता है, उसमें विद्युत करंट फॉलो नहीं हो सकता है, और जिसमें जा सकता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये चार ऑप्शन में से इनमें से कौन सा है जो उसमें नहीं जाएगा, करंट फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन में जो Cl होता है क्लोरीन का संकेत, F होता है फ्लोरीन का, D I होता है आयोडीन का, और B R होता है ब्रोमीन का। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है, एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, H2O2। H2O2, H होता है हाइड्रोजन का संकेत, O होता है ऑक्सीजन का संकेत, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, समीकरण CaCO3 एरो ऊष्मा और CaO+CO2 जी है यानी कि गैस, किस प्रकार का समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए वियोजन। समीकरण CaCO3 एस एरो ऊष्मा CaS+CO2 यानी कि CO2 क्या है, गैस है, तो जी से इसको सूचित किया जाता है, तो किस प्रकार का समीकरण है, तो यह वियोजन समीकरण है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार मॉडल क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भी बिहार मॉडल क्वेश्चन है, बिहार मॉडल के साथ साथ नीचे यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है सो बिहार मॉडल के साथ साथ जो है सो 2016 में फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो अम्ल और क्षार और उदासीन तो आप लोग समझते होंगे, देखिए जिसका pH मान 7 से कम होगा वो एसिड होगा, एसिड यानी कि अम्ल होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो बेस होगा यानी कि क्षार होगा, और जिसका pH मान एकदम इक्वल यानी कि बराबर 7 होगा वो उदासीन होगा, उदासीन होगा 7 और 7 से कम होगा वो एसिड यानी कि अम्ल होगा, जितना कम पीएच मान होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना 7 से अधिक पीएच मान होगा वो उतना बेस यानी कि क्षार होगा, और 7 रहेगा वो उदासीन होगा। चले तो CO2 गैस में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल कर कौन सा अम्ल बनाती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, अभी बताए हैं अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा वही तो अम्लीय होगा, 7 होगा वो तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय यानी कि बेस होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए हर एक लाइन और हर एक हम जो बात बोलते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है,
अभिक्रिया सी यू ओ प्लस एच टू एरो सी यू प्लस एच टू ओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स। ये देखिए बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया गया और यह 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अटेम्प्ट किया कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नांकित में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एच टू प्लस आई टू एरो टू एच आई -11.82 किलोमीटर कैलोरी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया है? निम्न में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होगा, टू के सी एल ओ थ्री एरो टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू, इसका राइट आंसर होने होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया एच टू प्लस सी एल टू एरो टू एस सी एल यानी कि एच सी एल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदर्शित करता है क्या? उपचयन, वियोजन, अपचयन, संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी संयोजन। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? निम्न में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए एफ ई यानी कि आयरन का संकेत होता है एफ ई और सी एल होता है क्लोरीन का, तो एफ ई सी एल थ्री, ये दोनों को दूर जोड़िएगा तो ये समीकरण निकलेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के यानी कि आग के जलता जलता है? ऑप्शन ए में है मोमबत्ती, ऑप्शन बी में है किरोसिन, ऑप्शन सी में है कोयला, ऑप्शन डी में मीथेन गैस, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर सी कोयला। कोयला जो है सो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला इधर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन जो पचता है हम लोग का किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है भोजन का पचना हमारे शरीर में। चलिए नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? H2S। H2S जो है सो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, गुण जिसको लक्षण कहते हैं, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो है सो गुण उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से यानी कि इफेक्ट से अपघटित हो जाता है यानी कि घट जाता है, समाप्त होने लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ए जी सी एल यानी कि ए जी होता है संकेत चांदी का और सी एल होता है क्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण 2 Cu + O2 = 2 + 2 Cu O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप लोग को परमाणु संख्या और संकेत याद किए होंगे तो आप लोग को पता होगा ये सोडियम का संकेत कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा, सोडियम का परमाणु संख्या एक होता है और इसका जो संकेत होता है वो Na होता है। 12 होता है मैग्नीशियम का जिसका संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोग का अगर नहीं पढ़े हैं परमाणु संख्या और संकेत से संबंधित वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो ला देंगे। लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों को जोड़िए और स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। और हमारा फर्ज बनता है यही कि आप लोग को एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए फ्री में एकदम निःशुल्क। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर इक्वल टू एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर इक्वल टू एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपघटन। क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों से वायु वर्ष डाइऑक्साइड, वायु कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी, मिट्टी मतलब मृदा से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक। प्रकाश रासायनिक है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी यानी मृदा से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, H2+Cl इक्वल टू Cl2 इक्वल टू 2HCl, यानी कि 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, है उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण लिखिए, उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण लिखिए, तो इनमें से कौन सा है जो उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ में ABCD में से कौन सा जो है उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा उस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, CO यानी कि कोबाल्ट और H2O यानी कि जल, जल का संकेत सूत्र होता है H2O और कोबाल्ट का CO संकेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो होगा वो Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है और ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किसमें किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के द्वारा जो है सो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण कैसा होगा? असंतुलित या संतुलित या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 34, का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, है निम्नलिखित में कौन, समीकरण असंतुलित है यानी कि सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पीबी, जो होता है लेड का संकेत होता है, NO3 इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ऊपर पूछ दिया था तो कौन सा निम्नलिखित में कौन संतुलित असंतुलित समीकरण है, यहाँ पूछ दिया था कौन सा समीकरण संतुलित है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, NH4NO2 इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। NH4
एन टू प्लस एन ओ टू प्लस इक्वल टू एन टू प्लस टू एच टू ओ। चले नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, एन ओ टू और ओ टू। एन ओ टू और ओ टू जो है उत्पाद लेड, यानी कि उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है, एन ओ टू और ओ टू। चलिए नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत होता है, यानी कि व्हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 की, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कैसा क्या प्राप्त होता है? कॉपर होता है प्राप्त, या चांदी, या सल्फर। तो सल्फर का संकेत है एस, कॉपर का Cu और चांदी का Ag और सोना का Au होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, चांदी। चले नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 कि Fe2O3 प्लस 2Ai एरो Al2O3 प्लस 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा, हीट द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए, क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, किया कीजिए। तो नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? फेरस सल्फाइड से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक, जिसका जेडन जिंक, यानी कि इसका संकेत होता है जेडन, और SN जो होता है वो टिन का संकेत होता है, और Cu तांबा का, यानी कि कॉपर, और Ag चांदी का, और Zn जस्ता का, और Au जो होता है वो सोना का होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सोडियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, साग सब्जियों को विघटित, यानी कि साग सब्जियों को विघटित मतलब होता है उसको समाप्त करना, यानी कि गला पचा के समाप्त करना। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट एक खाद होता है, बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों को अगर छीलते हैं, उसका छिलका जो बच जाता है उसको हम कंपोस्ट, यानी कि गला उला कर जो खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन कैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या सभी? तो उपचयन कैसी अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि जुड़ता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी कि बिछड़ता है, और
इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बिसरता है। नेक्स्ट है 48, प्रतिक्रिया पी बी ओ प्लस सी, एरो पी बी प्लस सी ओ क्या है? प्रतिक्रिया पी बी ओ प्लस सी ओ, एरो पी बी ओ प्लस सी ओ क्या है? पी बी ओ ऑक्सीकृत होता है, या ऑप्शन बी में है सी ऑक्सीकारक है, या सी ऑप्शन सी है सी एक अवकारक है, या ऑप्शन डी है यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। कैसी प्रतिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सी एक अवकारक है। सी क्या है? एक अवकारक है। चलिए नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, रासायनिक रूप से जंग लगना क्या है? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, या अनाद्र फेरिक ऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। रासायनिक रूप से जंग लगना क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रोज मतलब जल होता है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? इनमें ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन है जो ऑक्सीकारक भी है और अवकारक है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, HNO3। HNO3 जो है ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। चलिए नेक्स्ट है 51। 51 है कि SNCl2 है, क्या है? ऑक्सीकारक है या अवकारक है, या ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 51 का जो है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अवकारक है। SNCl2 क्या है? अवकारक है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के खपत को क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अपचयन जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। नेक्स्ट है 53। 53 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर जो है सो क्लियर नहीं किया है, सिर्फ तत्व है जो एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो वो एक्स यहाँ पर क्लियर नहीं किया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है कौन सा तत्व है वो तत्व पूछने वाला है, तो करने वाला वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व एक्स का नाम बताइए। ये देखिए एक्स का नाम पूछ दिया ना, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर जो है सो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, उस तत्व को वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी एरो ZN प्लस CO। ऑप्शन ए में है कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी में है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी में है कार्बन उपचयित अपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 54 का? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन अप उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से संबंधित फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके, और सभी के सभी गेस्ट टारगेट हो या क्वेश्चन बैंक हो, सभी के सभी गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक जो है मॉडल पेपर जो है सो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग का सिर्फ इतना ही करना है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो और एग्जाम से संबंधित कोई भी डिस्कशन हो या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और बिना हिचकिचाहट के अपना जो है सो डिस्कशन कर सकते हैं या कन्फ्यूजिंग दूर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ अध्ययन सागर बाई डी के लिखिए, वहाँ हम मिल जाएंगे, या इंस्टाग्राम पर जाइए अध्ययन सागर बाई डी के लिखिए, वहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं तो टेलीग्राम पर जाइए अध्ययन सागर बाई डी के लिखिए, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आप कहीं भी अध्ययन सागर बाई डी के नाम से हमें सर्च करके ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।